नवजोत सिंह सिद्धू से बात की जिन्होंने उन्हें देखा था 1989 में, लेकिन एक और खिलाड़ी जो उनके ओपनिंग पार्टनर रहे अगर उनसे बात नहीं की तो नाइंसाफी हो जाएगी। सौरव गांगुली दादा, वेलकम बैक सबसे पहले। थैंक यू जतिन। और क्या मौके पे आप वापस आए हैं, आपके सबसे सक्सेसफुल जो ओपनिंग पार्टनर थे आप क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट। ज़रूर इमोशनल मोमेंट है, बट ऐसा मोमेंट जो हर खिलाड़ी के लाइफ में आता है, और मैं यही समझता हूँ कि ये डिसीजन सही है उनके लिए और उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। लेकिन हम बात कर रहे थे, हमने शहरी बाजी से पूछा, ऑफ द फील्ड हमें मोमेंट्स बताइए, ऑन द फील्ड तो हम हमेशा फुटेज निकाल के देख सकते हैं, आप बताइए ऑफ द फील्ड सचिन के साथ क्या बातें होती थी, कैसा उनका उनके मैनरिज्म्स, क्योंकि एक भी सवाल या निशान कभी नहीं लगा, कोई दाग नहीं करियर पर और भगवान का उन्हें दर्जा दिया गया है। देखिए ज़रूर ऑफ द फील्ड वो बहुत अच्छे इंसान है, माइल्ड किस्म के इंसान है, मैं उनको छोटा से देखा हूँ, 14 साल की उम्र में जब दोनों गए थे इंदौर वासु प्रांच पे के हमारा कैंप लगा था इंदौर में अंडर 15, तो सचिन तेंदुलकर को नेट से बाहर नहीं निकल सकता था कोई, एक्चुअली खींच के निकलना पड़ता था कि चलो निकलो क्योंकि बाकी लोगों को भी बैटिंग करना है। ये छोटे उम्र से उनकी क्रिकेट जीवन में इतनी इंटेंसिटी थी और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे क्योंकि इतने समय प्लेयरों के साथ बिताते थे, 24 साल क्रिकेट खेले, उस 24 में से 15 साल मैं बिताया हूँ, बाकी 9 साल भी किसी और ने बिताए हैं, तो इतना समय प्लेयरों के साथ बिताते, शाम को प्लेयरों के साथ बाहर जाना, अपनी बातें करना, इंट्रोवर्ट जैसे आदमी थे क्योंकि ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बात करते थे, बट खाने के बहुत शौकीन थे तो रात को बाहर जाते थे खाने में, तब बातें होती थी, मैच के बारे में बातें होती थी, तो एक बहुत बढ़िया इंसान भी थे, जितना बढ़िया प्लेयर उतना बढ़िया इंसान भी। दादा कैप्टेंसी की हम बात करते हैं, शहरी पाजी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप जब खेलने लगे थे आपने उनके अंडर भी खेला है, उनकी कप्तानी में आपने उन पे कैप्टेंसी की भी है, तो हम ईगोस की बात करते हैं, मेंटोरशिप के जो रोल की बात करते हैं, उनकी प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में बतौर कप्तान कैसी थी यंगस्टर्स के लिए, और उसके बाद जब यंगस्टर्स कप्तान बने तो वो मेंटोरशिप, टीममेट, वो कैमराडरी कैसी थी? देखिए उनकी उनकी चरित्र इतनी अच्छी है, इतनी ठंड किस्म के आदमी है, हर एटमोसफियर में एडजस्ट हो सकते थे, जब हम आए थे तब उन वो हमारा कप्तान था, वनडे की शुरुआत की ओपनिंग तब वो कप्तान बने थे इंडिया के लिए जयपुर में, मुझे अभी भी याद है जब वो मुझे रात को आके कहे तुम्हें ओपन करना है वनडे क्रिकेट में, और हमने ओपन किया, फिर खुद कैप्टन बने वो, खेले हमारी कप्तानी में, हमेशा एक टीम के साथ एक ड्रेसिंग रूम में मिल जाते थे क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य था कि अच्छा क्रिकेट खेलना है, कि कप्तान बने या ना बने, और उनके साथ राहुल द्राविड भी, राहुल द्राविड हो, अनिल कुंबले हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, ये सारे महान खिलाड़ी रहे हैं इंडिया के लिए, और इन 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 सब ने कहीं ना कहीं समय कप्तानी की है, कभी हमारे अंडर कभी हम उनके अंडर, तो ये एक अच्छा एक सिचुएशन बन गया था टीम में क्योंकि सारे बहुत बड़े प्लेयर थे और सबको कप्तानी, सब कैप्टेंसी मटेरियल थे जो कहते हैं क्रिकेट में, और किसी ना किसी समय कप्तानी की है, तो इन सबका एक ही गोल था कि इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाए, क्योंकि हम जब 96 में हमारी डेब्यू हुई थी तब हम इंडिया में बहुत अच्छे खेलते थे, हमको इंडिया में हराना मुश्किल था, लेकिन इंडिया के बाहर हम जब जाते थे तब उतनी अच्छे नहीं खेलते थे, तो इस टीम में 2000 साल से ये एक डिटर्मिनेशन आया इनमें कि हमें बाहर भी जाके अच्छा खेल, ऐसा नहीं कि तेंदुलकर 100 बनाएगा या द्राविड बनाएगा या गांगुली बनाएगा, हमको ऐसा टीम अच्छा खेलना है, और जिसके लिए लास्ट 11-12 साल से, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज छोड़ के लास्ट 11-12 साल से बहुत अच्छी खेली है इंडियन टीम बाहर। स्टेडियम एंड थ्रू ऑल दिस वी गॉट आवर स्टार्स अराइविंग, सौरव गांगुली हैज जॉइंड सुनील गावस्कर एज वेल, इट्स एन एसजी इवनिंग एंड सौरव इज समबडी who probably saw Tendulkar closer than anybody else. How many matches did you open together in? Do you remember top of your head at all? I think around 200 games as an opener in one day cricket. And you saw him from 19 yards away, so you probably know him better than anybody else as a batsman. I think we all know how good a batsman he is, but what was very good about him was his adjustability. He adjusted to different conditions very well. And I'll give you an incident. You know, we were in South Africa in 97 and we were playing the second test in Cape Town. Sachin batted in the nets and in the morning he was doing some knocking because he never likes to go in the nets in the morning of the game. And I has had some hit in the nets and I was standing next to him and then I saw him go and walk into the test match. He had a completely different footwork and he went on to get 160 in that game, and I asked him, because I watched him closely and I asked him after the game that, you know, right throughout the series and even at the nets I didn't see you do that.
even in knocking, I didn't see you do that. What made you do it at the ground? Because as a player, we all tried it in the nets before we did it at the game. And he was straight away in the game, moving across to Alan Donald, and he got 160. He said, I felt he was hurrying me. I tried this feet movement. It worked, and I went through it. And the next test match, he came with a completely different feet movement. And I think that's where his speciality lies. He adjusted to different conditions. I'm sure he did it as well, because he played the best fast bowlers in the world against the West Indies in that era. And I'm sure he must have done it as well.